हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे शीर खुरमा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। शीर खुरमा एक तरह का डेजर्ट है, सेवइयों और खजूर से बना, जिसे ईद के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये ज़रूर बनती है। इस रेसिपी की इंग्रेडिएंट लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशनड है, अगर आप चाहें तो प्लीज़ वहाँ से भी देख लें। आइए अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसे बनाने के लिए आधा लीटर दूध लें, फुल क्रीम मिल्क होना चाहिए। इसे हाई फ्लेम पर एक बॉयल आने तक रखें। एक बॉयल आने के बाद से फ्लेम लो कर दें और अब इसमें आधा कप चीनी डाल दें। मैंने यहाँ पर बारीक चीनी का इस्तेमाल किया है, अगर आपके पास मोटे दाने की चीनी है तो आप थोड़ी कम क्वांटिटी रखें या अपने स्वाद के अनुसार। फिर इसे अच्छे से मिक्स करें और लो फ्लेम पर इसे 3/4 रहने तक कुक करें, यानी ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। इसे एक बार फिर से चला लें और अब इसे आंच से हटा दें थोड़ा ठंडा होने के लिए। जब तक दूध ठंडा हो रहा है, आइए बाकी की तैयारी कर लेते हैं। एक गर्म पैन में 1 टीस्पून देसी घी लें और अब इसमें 2 खजूर बीज निकाल कर स्लाइस करके डाल दें। इसे 2 मिनट के लिए फ्राई करें। खजूर की जगह आप छुहारे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप छुहारे इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर छुहारे को 1 दिन पहले भिगो दें, फिर उसे वॉश करके बीज निकाल कर स्लाइस करके फ्राई करें और फिर इस्तेमाल करें। और अब उसी पैन में 2 टेबलस्पून काजू और बादाम क्रश करके डाल दें। इसे अच्छे से फ्राई करें 3 से 4 मिनट के लिए। इसे भी निकाल कर साइड कर दें और फिर 1 टीस्पून देसी घी लें, इसमें 4 हरी इलायची क्रश करके डाल दें। जब ये थोड़ा सा भुन जाए फिर इसमें 25 से 30 ग्राम के करीब भुनी हुई पतली सेवइयाँ जो बाज़ार में अवेलेबल होती हैं उसे लेके डाल दें, क्रश ना करें अभी। इसे 2 मिनट के लिए फ्राई करें क्योंकि ये ऑलरेडी रोस्टेड होती है। 2 मिनट के बाद इसे निकाल कर किनारे कर दें। ध्यान रखें सेवइयाँ कभी गरम गरम फ्राई करके दूध में ना डालें, दूध फट जाएगा। फिर फ्लेम से हटाए हुए दूध में आधा कप फ्रेश क्रीम डाल दें, अमूल का फ्रेश क्रीम भी आप इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं या व्हिपिंग क्रीम भी। और अब इसमें खजूर डालकर इसे वापस से फ्लेम पर रख दें, लो फ्लेम पर ही रखें। क्रीम डालने से पहले दूध को ज़रूर फ्लेम से हटा दें, नहीं तो दूध फट जाएगा। और अब इसे लो फ्लेम पर ही थोड़ी देर कुक करें, फिर इसमें भुने हुए नट्स डाल दें, अच्छे से मिक्स करें, थोड़ी देर कुक करें इसे। और अब इसमें भुनी हुई सेवइयों को क्रश करके डाल दें। ध्यान रखें सेवइयाँ ठंडी हो चुकी हों, इसे अच्छे से मिक्स करें। और मिक्स करने के बाद अब लो फ्लेम पर इसे 20 मिनट तक कुक होने दें, जिससे कि बहुत अच्छे से गाढ़ी हो जाए। गाढ़ी होने के बाद इसका टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत ही क्रीमी और रिच फ्लेवर आता है। फिर फ्लेम ऑफ कर दें और इसमें 1/2 टीस्पून केवड़ा जल डाल दें। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना भी डालें। इसे अच्छे से मिक्स करें और अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। थोड़ी ठंडी होने के बाद इसे डिश आउट करें और फिर इसे बादाम और पिस्ते की स्लाइसेस से गार्निश करें। नट्स आप अपनी चॉइस का भी डाल सकते हैं। और अब ये शीर खुरमा बिल्कुल रेडी है, एंजॉय करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल के नीचे लाइक का बटन प्लीज़ ज़रूर हिट करें। अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। और इस रेसिपी के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई कमेंट है, तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।